हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विथ निखिल में तो आप सभी कैसे हैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और कंटिन्यूसली आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आज हम लोग के सामने एक टॉपिक है 1942 का क्रिप्स का सिस्टम मंडल मतलब द क्रिप्स मिशन तो इस क्रिप्स मिशन में क्या क्या उसकी विशेषता थी और उसमें इस मिशन के अंदर ये सिस्टम मंडल के अंदर क्या क्या डिसीजंस लिए गए उसको मैं आप लोगों को पूरे डिटेल्स में इसमें बताऊंगा और क्रिप्स मिशन के आने के जस्ट बाद ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का एक भारत में व्यापक तरह का से आंदोलन चलाया जो कि बहुत हद तक कारगर रहा था गांधी जी के द्वारा तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन देख लेते हैं उसके बाद उन्नीस का भारत छोड़ो आंदोलन भी हम लोग इसी के साथ ही देखेंगे मतलब इसके बाद के वीडियो पे तो आइए इसका सबसे पहले परिचय देखते हैं दिसंबर 1941 में जापान भी युद्ध में धुरी शक्तियों की ओर से सम्मिलित हो गया था अतएव 1942 के आरंभ में अंग्रेजों ने पुनः राजनीतिक गुत्थी को सुलझाने का प्रयत्न किया अब क्या हुआ था कि उस टाइम तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था आपका 1941 में उस समय जो जापान था वो धूरी शक्तियों की ओर से सम्मिलित हो चुका था वो जो जॉइंट हो गया था धुरी जो राष्ट्र थे उन, उनके साथ मिल युद्ध करने लगा था और 1942 में अंग्रेज़ों ने पूरा राजनीतिक गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया जहाँ पर उन लोगों की पोलिटिकल सिस्टम थी वो लोगों को अच्छे से वो लोग सिस्टमेटिक वे में करने का काम करने लगे फिर मार्च उन्नीस को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने एक घोषणा की कि युद्ध मंत्री युद्ध मंत्रिमंडल जो वार केबिनेट है ने भारत के विषय में एक मत होकर कुछ निर्णय किए हैं ठीक है मतलब 1942 में चर्च चर्चिल ने अपने मंत्रिमंडल के आ, को बोला था कि कुछ आप एक कमेटी गठन करके भारत के लिए कुछ सोचे और वही हुआ और हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स इनका जो नाम है जो क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है उन्हीं का नाम है ये स्टेफन स्टेफर्ड क्रिप्स भारत जाकर स्वयं निजी विचार विमर्श में से अपने आप को संतुष्ट कर इस निर्णय से लोगों को अवगत कराएंगे मतलब जो डिसीजंस इंग्लैंड में लिया गया उसको सरफ, आ, सर सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा गया भारत और उनको मतलब एक मैसेंजर के तौर पे उनको भेजा गया भारत में ठीक है भारत पहुंचते ही सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने प्रस्तावित मसौदा जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन था वो कार्यकारी परिषद के सन्मुख रखा तो कब रखा था तेईस मार्च 1942 को ही इस उन्होंने ये, ये मैसेज को रखा था और दो दिन पश्चात भारतीय नेताओं के समूह और उसके बाद भारत नेताओं के सामने भी रख दिया था तो 19 मार्च को यह प्रस्ताव एक पत्रकार सम्मेलन में जनता के समूह रख दिया गया और इसे सार्वजनिक कब कर दिया गया 19 मार्च को यह पूरी तरीके से सार्वजनिक कर दिया गया इसके पश्चात पंद्रह दिन बातचीत चली और इसके बाद पंद्रह दिन बातचीत इसी पे आपका चला और मगर ये असफल रहा लास्टली महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथि चेक मतलब पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी थी ठीक है ये इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन अब पूछ सकता है नेट वगैरह में कि गांधी जी ने किस बिल के ओपोजिशन में ये कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक है ठीक है अब इसकी आ, ये जो मसविदा तैयार किया गया था इंग्लैंड के द्वारा इसकी विशेषता या प्रमुख बातें क्या रही थी विशेषता तो नहीं कह सकते प्रमुख बातें क्या रही थी जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है तो पहला था युद्ध समाप्त होते ही निम्नलिखित रीति से भारतीयों को भारतीयों का एक निर्वाचित निकाय बनाया जाएगा मतलब युद्ध जैसे ही समाप्त होगा उसमें एक निर्वाचित निकाय बनाया जाएगा जो कि भारत के लिए एक नया संविधान होगा और यही एक भारत के लिए एक नया संविधान भी होगा ठीक है इस संविधान सभा ने में भारतीय रियासतों को भी सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया और जो भारत के रियासती रियासतें थी जो क्षेत्र थे उन लोगों को इस प्रावधान में भी शामिल करने का निर्णय लिया गया था तीसरा अंग्रेजी सरकार इस संविधान को निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकार कर लेगी अब इस, इस जो आपका संविधान बना है उसको अंग्रेजी सरकार भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी उसमें वो क्या कंडीशन रखी पहला अंग्रेजी प्रांतों में जो इस संविधान को स्वीकार न करना चाहे उसे अधिकार होगा कि अपनी पुरानी स्थिति में बना रहे फिर जब वह चाहे इस संविधान में सम्मिलित हो सकते हैं अब क्या अंग्रेजी सरकारों ने एक आपके क्या बोले एक लूज जगह छोड़ा बोला कि आप लोगों को अगर ये संविधान मंजूर नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं आप इसमें शामिल मत होइए मगर आपको जब लगे कि हाँ अगर हम मैं तैयार हूँ इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ तो आप आ सकते हैं मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखें ठीक है दूसरा इस संविधान के अनुसार अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को अधिकार दिए जाएंगे उसमें जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा इत्यादि के प्रबंध किए जाएंगे परंतु इस पर अन्य अंग्रेज अंग्रेज राष्ट्रमंडल के सदस्य के साथ संबंधों का कोई प्रतिबंध नहीं होगा अब क्या हो गया अब इसमें आपका जो कुछ आपका भारतीय लोगों थे अल्पसंख्यक लोग थे जिनकी संख्या थोड़ी कम थी और उन्हें इसमें सुरक्षा देने की बात कही गई इसमें यही कहा गया था सेकेंड पॉइंट में अब चौथा क्या है संविधान बनाने वाली सभा का चुनाव विधानसभाओं के निम्न सद सदन द्वारा अनुपादित प्रतिनिधित्व से प्रोफेश प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार किया जाएगा तो इस संविधान के सभी जो आ, सभा का चुनाव होना था वह निम्न सदन द्वारा अनुपादित जो प्रोफेश प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ही ये किया जाना था और पाँचवा और आखिरी उसी क्या मुख्य बात थी जब तक यह नया संविधान नहीं बनेगा ब्रिटिश सरकार भारत की रक्षा के लिए तो दायी होगी मतलब जब तक ये संविधान बन के पूरे पूरी तरीका से अच्छी तरीका से तैयार नहीं हो जाता तब तक ली तब तक आपका अंग्रेजी सरकार का हाथों में ही सुरक्षा का दायित्व तो रहेगा परंतु वह मुख्य भारतीय लोगों के नेताओं को तुरंत और प्रभावशाली ढंग से राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र के कार्य में योगदान चाहती थी और इसके अवैध में आपका अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी जो प्रतिनिधि थे वो चाहते थे कि भारत के लोग उनका साथ दें और भारत के नेता भी उसमें पूरा अच्छे से सपोर्ट करें मतलब क्रिस मिशन में आपका सीधा सीधी एक ही कंक्लूज़न निकलता है कि ये एक भारत के लिए संविधान बनाने के लिए ये चीज़ को जोड़ा गया था और ये बहुत हद तक असफल रहा और इसने ही भारत छोड़ो आंदोलन का नीम ही डाल दी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन रहेगा जो कि आपके सिलेबस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसमें ने गांधी जी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था करो या मरो का जिसमें आपका पूरा देश इस आंदोलन में लग चुका था तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा तो आशा करता हूं इसी तरह आप मेरे साथ बने रहें और आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह बना रहा तो आप, आपके लिए और भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरह लाते रहूंगा सो थैंक यू